Hello friend, this problem is asking at my YouTube channel. First of all, thank you so much for asking the problem. तो friend, ये problem आपकी simultaneous linear equation से है और problem है आपकी the difference between two positive number x and y. X is greater than y is 4 and the difference between their reciprocals is 4 upon 21. Find the numbers. तो friend, first of all जो आपको ये टू कंडीशंस गिवन है इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और इसको टू मेथड से सॉल्व करेंगे. टू मेथड से क्यों? क्योंकि अब हमारा जो ट्रेडिशनल आ रहा है एग्जाम्स के लिए उसमें एमसीक्यूज बेसिस क्वेश्चंस काफी पुटअप होंगे तो वहां पर टाइम सेविंग की रिक्वायरमेंट है और आंसर्स को कैसे जल्दी से जल्दी लाया जा सके ये हमारा मेन टास्क है. तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आपको जो टू नंबर्स एक्स एंड वाई है उसमें आपका डिफरेंस 4 है और x इज ग्रेटर देन y. मीन्स अगर आप केस 1 की बात करते हैं तो x ग्रेटर है. तो x ग्रेटर है तो x में से हमने y माइनस किया और वी गेट 4 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट. नाउ फ्रेंड केस 2 को अगर हम देखते हैं तो केस 2 के लिए आपको जो रेसिप्रोकल डिफरेंस है यानी इन नंबर्स का रेसिप्रोकल जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं. x एंड y इनके रेसिप्रोकल की बात करें तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई. नाउ एक कंडीशन जो कि आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन y, इसका यहां पर क्या मीन होगा और इसको कैसे हमें इसके साथ रिलेट करना है. नाउ फ्रेंड अगर फ्रैक्शन के केसेस में आप देखें जिन भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है वो फ्रैक्शन आपका स्मॉलर होता है. तो इसका मतलब अगर आप 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई कर देते हैं तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा जबकि आपको जो इनका डिफरेंस है वो गिवन है पॉजिटिव में. तो आपको ध्यान रखना होगा यहां पर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे. तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 21. नाउ एक्स वाई इनका एलसीएम और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 21. नाउ अब आपके पास दोनों केसेस के इक्वेशंस बन गई है और ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2. नाउ मेथड 1 की बात करते हैं हम. तो मेथड 1 में अब हम क्या करेंगे सिंपली x और y की वैल्यू चूज करेंगे. एक चीज अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे दोनों पर डिफरेंस क्या है 4 है तो कोई भी जो वैल्यू हमें चूज करनी है वो 4. लेकिन यहां पर x और y यहां पर क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है और जो कि क्या आना चाहिए 21. तो 21 का जस्ट हम एक फैक्टर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 7 का और आप अगर देखें तो 3 और 7 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 21 और डिफरेंस आपका आएगा 4 यानी कि 7 और 3 आपके आंसर की प्रोबेबिलिटी है. अब यहां पर क्या है क्योंकि x ग्रेटर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3. नाउ फ्रेंड जस्ट आंसर आने के बाद हमें ये जो दोनों केसेस से इक्वेशन है इसमें इनको जस्ट वेरीफाई कर लेना है ताकि हमारा ऑप्शन गलत ना हो. तो अब x के प्लेस पे आप 7 रखेंगे और y के प्लेस पे 3 तो 7 माइनस 3 गॉट 4. फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. सेकेंड में अगर हम रखें तो 7 माइनस 3 गॉट 4 और 7 3 21 यानी कि दोनों कंडीशन इस आंसर पे आपकी फुलफिल होती है तो यही आपका आंसर हो जाएगा. नाउ मेथड 1 के बाद हम मेथड 2 की बात करें और मेथड 2 हमने कहा कि ट्रेडिशनल मेथड मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना. तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. यहां से हमने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y 4 प्लस y ये निकाल लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा. अब इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो वो इक्वेशन थी x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4 अपॉन 21. नाउ x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 तो आपको मिलेगा 4 प्लस y माइनस वाई अपॉन एक्स के प्लेस पर आपकी वैल्यू आ जाएगी यानी 4 प्लस वाई और y आपका ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 4 अपॉन 21.
नाउ ये वाई से ये वाई कैंसिल, जस्ट अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो ये आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 अपॉन 4 वाई, यानी इस वाई की मल्टीप्लाई अंदर कर लिया, 4y + y² = 4/21। नाउ अब ये 4 आप यहां लेकर आएंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, या इसको यहां लेकर आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1। यहां पे मिस्टेक मत करना क्योंकि ये वन टाइम में, दोनों 4 वन टाइम में कैंसिल हुए, 4 1 4 4 1 4, कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स एरर कर देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 = 4y + y². नाउ y² + 4y, इसको इधर लेकर आएंगे, ये आ जाएगा आपका 21। इक्वेशन ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, और जस्ट अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 21 का फैक्टर हो जाएगा 7 3 21, y². अब यहां पर ये फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन लेना होता है इसको हमें बहुत ध्यान से लेना होता है, क्योंकि 7 और 3 का डिफरेंस तो आपका 4 ही आएगा, लेकिन यहां पर 4 कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो इसका मतलब 7 को आपको प्लस का रखना होगा और 3 को आपको माइनस का, तो +7y - 3y - 21 = 0। ओके नाउ y हमने एज अ कॉमन ले लिया, y + 7 - 3 यहां से कॉमन लिया, y + 7 = 0। नाउ y + 7 and y - 3 = 0, आपको मिला y + 7 = 0, यानी y = -7। माइनस नेगेटिव वैल्यू है तो इसको हम लीव कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। नाउ y - 3 = 0 और y = 3, यानी कि ये वैल्यू आपकी कंसीडर हो जाएगी, y = 3। नाउ पुट y = 3 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 ये है, तो x = 4 + 3, यानी के 7, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ये ट्रेडिशनल मेथड से भी आपका सॉल्व होके आ गया। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। फर्स्ट आपका ट्रायल, उस मेथड को कहते हैं हम हिटर ट्रायल, जस्ट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट कर करके x और y, लेकिन दोनों ही केस में चेक करेंगे, फर्स्ट केस आपका वेरीफाई होने के बाद सेकेंड केस में भी आप x और y की वैल्यू जो भी चूज करेंगे ऑप्शन से उसको चेक करना है। देन आपका सेकेंड मेथड ट्रेडिशनल, जो कि आपका पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली, और प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।